प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, अखिलेश यादव हो, एमआईएम के चीफ हो, या कोई भी विरोधी दल हो, और विरोधियों को तो छोड़िए, अब तो आपके एनडीए के कुनबे के लोगों ने ही इसको लेकर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। फिर ऐसा फैसला लेने की, और अब तो मुजफ्फरनगर के इतर जहां जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहां वहां इसको लागू करवाने की क्या जरूरत आन पड़ी है? क्या ये समाज में भेद नहीं पैदा करेगा? प्रेम शुक्ला जी, देखिए, आपके पैनल में जो है शोएब जमई बैठे हैं, घनश्याम तिवारी जी बैठे हैं, धीरेन्द्र कुमार बैठे हैं, निशा जी बैठी हैं, अजय वर्मा जी बैठे हैं, तो इन्होंने अपना नाम बताया तो इससे भेद पैदा हो गया। शोएब जमई अगर अपना नाम शोएब जमई बता देंगे और मैं अपना नाम प्रेम शुक्ल बता दूंगा तो इससे भेद कैसे पैदा हो जाएगा, मेरी समझ से परे है। अगर हॉकर्स में और दुकानदार जो कि खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बना, अगर उसका अनुपालन करते हुए अगर लोग अपना नाम दुकानों के सामने जो नियम है उसके अनुकूल लगा लेंगे तो इससे भेद कैसे हो जाएगा? क्या चित्रा त्रिपाठी जी किसी मुसलमान फल वाले से फल नहीं खरीदती है क्या? चित्रा जी के मन में कोई भेद आता है क्या? अरे तो मैं पूछ कर थोड़े ना खरीदी जाती हूं। चित्रा जी के मन में, चित्रा जी क्या किसी हिंदू हैं? पूछने की क्या जरूरत है? अगर मान लीजिए किसी ने लिखा होगा कि मैं फल खरीदूंगी या मैं हिंदू मुसलमान देखकर फल खरीदूंगी, नहीं चित्रा जी, अगर किसी की दुकान पर अगर मान लीजिए मुस्लिम का नाम लिखा हो अगर, हाँ, तो क्या आप उसके यहाँ नहीं खरीदेंगी क्या? मेरा क्यों नहीं खरीदूंगी, बिल्कुल खरीदूंगी। आप बहिष्कार तो नहीं करेंगी ना? सारे हिंदू बहिष्कार नहीं करेंगे ना? घनश्याम तिवारी जी बहिष्कार नहीं करेंगे ना? वो चाहे हिंदू बेचे, चाहे मुस्लिम बेचे, चाहे ईसाई बेचे, चाहे पारसी बेचे, उनको फल खरीदना है, फल खरीदेंगे उससे। और उससे पहचान, भाई अजमल कसाब को नाम छिपाने की आवश्यकता पड़ती है? 26/11 के जो आतंकवादी आए थे उनको हिंदू आइडेंटिटी बनानी पड़ी थी। अब जो है यहाँ के विक्रेताओं को भी जो है अपनी आइडेंटिटी परिवर्तित करेंगे तो वो खरीदेंगे। भाई कांग्रेस का एक जमाना था जब दिलीप कुमार को जो है यूसुफ खान से अपना नाम दिलीप कुमार रखना पड़ता था फिल्में चले, तब अजीत को अपना नाम मुस्लिम से हिंदू रखना पड़ता था। आज तो शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान कोई इस आधार पर फिल्में देखने से मना नहीं करता कि मुसलमान है। तो ये जो भेद है ये कुछ लोगों के मन में पला हुआ है, कैसे पैदा होगा, मेरे तो समझ से परे। अरे लेकिन कांवड़ यात्रा तो पहले भी चलती रही है ना प्रेम शुक्ला जी, तो अभी ही इसको लेकर अगर आप आएंगे तो ये पूछा नहीं जाएगा तो कि ये बीजेपी का ध्रुवीकरण की ये सियासत है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाया था ना। हाँ चित्रा जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह सियासत कर रहे थे जब नियम पास कर रहे थे, जब नियम पारित हुआ खाद्य और मानक अधिनियम 2006 तो डॉक्टर मनमोहन सिंह सांप्रदायिक व्यक्ति थे। सोनिया गांधी ऐसी सब नग्न सांप्रदायिकता को समर्थन दे रही थी। है, ये सवाल है कांग्रेस के सांसदों को पता ही नहीं था। हाँ। ये तो हमेशा के लिए है, अगर सावन में अगर ये लागू किया गया, एक प्रयोग किया गया, तो किसको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से लाया गया ये नियम है जिसमें लोगों को अपना नाम बताना होगा, कोई भी दुकान हो, ठेले हो, रेहड़ी हो, कुछ भी हो, नाम बताना पड़ेगा। पहले से नियम है ये, आप चेक कर लीजिए, पहले से नियम है ये। हॉकर्स के लिए नियम है, दुकानों के लिए नियम है। जब लाइसेंस इशू होता है तो लाइसेंस किसी भी दुकान का गुमास्ता लाइसेंस इशू होता है, लाइसेंस तो बाकायदा ये लिखा जाता है कि आप अपना लाइसेंस। लेकिन आपने जो जवाब दिया है ठीक है, उसमें से बहुत सारे सवाल है घनश्याम तिवारी जी से मैं पूछ लेती हूँ। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, वो कह रहे हैं कि नाम छपा कर सामान बेचने की क्या जरूरत है, जिसका जो नाम होगा वो रख दे सामने, इसको लेकर इतनी ज्यादा सियासत क्यों हो रही है घनश्याम तिवारी जी? और वो कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान अपना नाम मुसलमान रख लेगा तो क्या कोई सब्जी खरीदने के लिए या फल खरीदने के लिए नहीं जाएगा? नमस्कार चित्रा जी, आपको, दर्शकों को और को-पैनलिस्ट को, तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात कि जो पार्टी 13,000 करोड़ चंदा जमा करती है 10 साल में, जितना उन्होंने अपने पूरे इतिहास में जमा किया उससे कई गुना ज्यादा 10 साल में सत्ता में रहते हुए, उसमें वो मीट उत्पादकों से भी चंदा लेती है, हलाल वालों से भी चंदा लेती है, वैक्सीन वालों से भी चंदा लेती है, हर तरह के भ्रष्टाचारी से भी चंदा लेती है। और उस 13,000 करोड़ में से 1 करोड़ किसने दिया यहां पर किसी को नहीं पता होगा, ना आपको ना मुझको, जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा नहीं आया था हमें नहीं पता था। वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करती है कि जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि उस पार्टी को चंदा कौन दे रहा है, वो वैक्सीन का चंदा लेती है या नहीं लेती है, ये जनता को जानने का अधिकार नहीं है। वो पार्टी कह रही है कि अगर आपके ठेले के ऊपर आप कोई खरीदने जा रहे हैं तो उसे जानने का अधिकार है, ये सोचने का अधिकार है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, और नाम से पता चलेगा। मान लीजिए कि किसी का ठेला है, वो भजिया, जलेबी और पकोड़े बेचता है, तो वो जो भजिया, जलेबी, पकोड़े की जो का जो जो कंपनी है बीजेपी कंपनी, मान लीजिए उस ठेले का जो ओनर है उसका नाम है ए शाह या जे शाह। अब उसने, उस बीजेपी कंपनी ने, भजिया जलेबी की कंपनी ने
ए शाह लिख दिया है, अब उससे किसी को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? इस तरह की बात करना, जब उत्तर प्रदेश में 20 जिले बाढ़ प्रभावित हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता नहीं है कि सरकार कहां से चलेगी, दिल्ली से चलेगी या लखनऊ से चलेगी, कोई एग्जाम करा नहीं पा रहे हैं, किसी को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, पुल ध्वस्त हो रहे हैं, एयरपोर्ट ध्वस्त हो रहे हैं, ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है, महंगाई से लड़ नहीं पा रहे हैं, गरीबी हर किसी के लिए पीड़ादायक है, ऐसे समय में एक हारी हुई पार्टी अंत में वो दांव चलती है जिस दांव पर उसने हमेशा भरोसा किया है, वह है नफरत का दांव। ठीक है, इसी तरीके से लोगों को बांटो, और ये नफरत का दांव ऐसा चला जा रहा है कि लोग देख रहे हैं कि जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उससे लड़ने में साहस नहीं है, मच्छर मार करके अपने आप को क्रांतिकारी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बोले हिम्मत नहीं है कि उन समस्याओं से जूझ सके जो देश की समस्याएं हैं। इस पर आप जवाब दीजिए, क्या उन्होंने मुद्दे की क्या बात की? चित्रा जी मेरी समझ से बाहर है, चित्रा जी उन्होंने क्या मुद्दा उठाया? वो कह रहे ध्यान भटकाने की कोशिश है आप लोगों ने, जितना भी चंदा लिया संविधान के तहत नहीं, उन्होंने मूर्खतापूर्ण प्रलाप किया और आपने उनको ये प्रलाप करने दिया और बिना रोक टोक के, इसके लिए आपका आभार कि इस प्रलाप को भी आपके यहाँ जो है भाई भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला उन्हें ईमानकुल लिया, जब भारतीय जनता सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया उसको हमने स्वीकार किया, इसमें क्या आपत्ति है? समाजवादी पार्टी को जितना चंदा मिला था इन्होंने तुमने साइट पे डाल दिया था ना, तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों को किसने किसने चंदा दिया? समाजवादी पार्टी को पोर्क बनाने वाली कंपनी ने चंदा दिया, मैं आरोप लगा रहा हूं, तो इस आरोप का क्या औचित्य है? इसमें शुकर का मांस निर्यात करने वाले जो हैं वो समाजवादी पार्टी के डोनर है, अगर ये मैं कहता हूं तो इससे आपकी इस बहस को क्या लाभ मिलता है? कोई लाभ नहीं मिलता है। तो इस तरह के अनर्गल प्रलाप से कोई औचित्य नहीं है। मैंने सीधा जो प्रश्न पूछा कि अगर कोई अपना नाम डिस्क्लोज करता है तो क्या भारत के लोग, भारत की जनता इतनी सांप्रदायिक है कि प्रेम शुक्ल किसी मुसलमान के यहां से जो है सब्जी फल नहीं खरीदेंगे, या जो शोएब जमाई किसी हिंदू के यहां से नहीं खरीदेंगे? ठीक है, ये तो हलाल सर्टिफिकेशन, जहां हलाल की जरूरत नहीं है। अगरबत्ती हलाल होती है क्या? मसाला हलाल होता है क्या? कपड़े हलाल होते हैं क्या? अस्पताल हलाल होता है क्या? ये अस्पतालों पर दवाइयां हलाल होती है क्या? इस तरह के हलाल सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन किसको करना चाहिए? अगर फूड क्वालिटी सर्टिफिकेशन का जिम्मा जो है वो एफएस फसाई के पास है, लेकिन जमीते इस्लामी हलाल सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट का विरोध। बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है, जब हलाल सर्टिफिकेशन होता है शोएब जमाई जी, तब तो इतना हल्ला होता नहीं है। अब कांवड़ यात्रा चल रही है, यकीनन वो एक धार्मिक यात्रा है, अगर उसके मद्देनजर कानून व्यवस्था खराब नहीं हो, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा देखा गया था और पिछले साल ही जो पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि नाम बदलकर वहां पर खाना परोसा गया, उसके बाद जब नाम पूछा गया तो उसको लेकर विवाद हो गया था, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती पैदा हो गई थी। तो ऐसे लोग जो ये जानना चाहते हैं कि भाई यहां पर हम खरीदेंगे यहां पर नहीं खरीदेंगे, इसको लेकर आपत्ति क्या है शोएब जमी जी? और वो हलाल वाला जो उदाहरण दे रहे हैं, हम करें तो ठीक है, वो करें तो गड़बड़। चित्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हमारे पार्टी के सदर मोहतरम बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब ने जिन सवालों को उठाया है वो जमीनी हकीकत है और वो जनता के एक ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा लोगों में इसकी फिक्र है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर के आसपास के इलाके जो हाईवेज हैं यहाँ पे, अक्सर आपने वीडियो देखा होगा कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, जावेद की दुकान जो लूटी गई, या इस तरह की कई घटनाएं पहले भी हुई हैं जिस तरीके से दुकानों को निशाना बनाया गया। अब ऐसे वक्त में अगर आप इस तरह की निशानदेही करा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक मुजफ्फरनगर में वहां पे दुकान रेस्टोरेंट है डे एंड नाइट कैफे, न्यूट्रल नाम है, अंग्रेजी नाम है, कई रेस्टोरेंट के नाम अंग्रेजी न्यूट्रल होते हैं, उस डे एंड नाइट कैफे का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसके जो ओनर है साहब या सिहाब उसके नाम पर यहां से लिखवाया कि कैफे का नाम ही बदल दो। जिस कैफे का नाम यहां से फाइव स्टार कैंटीन था उसमें मुसलमान ओनर का नाम लिख करके कैंटीन का नाम बदल दे। अब आप सोचिए कि अगर दिल्ली में कोई मॉडर्न बाजार है या डिलाइट कैफे है तो क्या ये डिलाइट कैफे और मॉडर्न बाजार वाले जो हिंदू ओनर है क्या ये अपना नाम नेम प्लेट के साथ लिखते हैं कि हम नहीं मॉडर्न बाजार नहीं, हम तो संजीव अग्रवाल किराना शॉप है? नहीं है। अरे तो ये सिर्फ के एक धर्म के लोगों के लिए कहा गया ना शोएब जमाई जी। नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट करें, क्रॉस क्वेश्चन सुने, ये हिंदू मुसलमान दोनों के लिए किया गया है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए किया गया है। और नाम नाम बदलना नहीं, नाम के साथ वो किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं पूरा नाम वहां पर लिखना है, ये है बात। सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है। हाँ, ये आप रिपोर्ट देखिए, कई लोगों के इंटरव्यूज हैं, बाकायदा पुलिस वालों ने जाकर के जो हिंदू रेस्टोरेंट थे, हिंदू ओनर के रेस्टोरेंट थे, उससे मुसलमान
जो काम करने वाले नौकर है उनको निकलवा दिया गया, उनको नौकरी से छुट्टी कौन दी सी गया। रिपोर्ट है आप बताइए शोएब जमी जी, बिल्कुल वो कौन सी दुकान है जहां पर मुसलमान काम कर रहा था उसको निकाल दिया गया, आप बताइए नाम, बताइए नाम, ये गलत है, ये गलत है, हम दिखाएंगे उसको और जो गलत है उसका विरोध किया जाएगा शोएब जमी जी, आप बताइए। हाँ बताइए, आज तक डिजिटल की रिपोर्ट में जाके देखिए। अब मैं जाके नहीं देखूंगी, आप दिखाइए शोएब जमी जी, आज तक डिजिटल 200 खबरें छापता है हर रोज, आज तक डिजिटल ने ये रिपोर्ट छापी अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ से मैं ये देख रहा था, आज तक डिजिटल की रिपोर्ट है कि कैसे उस दुकानदार, हम बहस करेंगे, आप ढूंढ कर रखे रहिए क्योंकि आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, हाँ। उन नौकरों को निकाला गया, सवाल ये है कि जो इन्होंने हलाल पर पूछा, हाँ। मुझे ये बताइए कि पतंजलि के बाबा रामदेव क्यों हलाल सर्टिफिकेट लेने गए, जो अल्लाना ट्रेडर से मीट के जो सारे हिंदू ट्रेडर्स हैं जिनको अरबों का कारोबार जो मिडिल ईस्ट देशों में होता है, वो क्यों यहाँ से हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं जमीयत उलमा से? जब आप मीट का कारोबार करते हैं तो आप नाम रखते हैं मुस्लिम जैसा, ताकि आपको यहाँ से अरब देशों में बेचने में आसानी हो। जब आप पतंजलि के प्रोडक्ट अरब देशों में बेचना चाहते हैं, तब तो बाबा जी यहाँ से, अरे यहाँ पर बाबा रामदेव तो बैठे नहीं है, लेकिन अगर हलाल सर्टिफिकेट लिया जा रहा है तो यहाँ पर सर्टिफिकेट देने में क्या दिक्कत है शोएब जमी? यही तो बड़ा सवाल है इंडिया में, ये आपको परेशानी है। सवाल देखिए, हमने मजलिस ने वहाँ पे भी सर्टिफिकेट ले रहे हैं, यहाँ पर भी सर्टिफिकेट ले रहे हैं, लोगों की जान को खतरा है, इतना जी लोगों की जान को खतरा है, या आप निशानदेही कर रहे हैं कि अगर मैं बाकी लोगों से टिप्पणी ले लेती हूँ तब तक आप वो रिपोर्ट निकाल कर रखेंगे शोएब जमी जी, ठीक है, अब वो रिपोर्ट निकाल कर रखेंगे तब तक मैं बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ, ठीक है। घनश्याम तिवारी हाथ उठा रहे हैं, उसके बाद अजय वर्मा जी, बाकी लोगों को, घनश्याम तिवारी जी दो लाइन में जल्दी से। बहुत संक्षिप्त में, ये आज तक डिजिटल की रिपोर्ट है जिसका हेडलाइन है, मुजफ्फरनगर में ढाबे से 4 मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया, हाँ, पुलिस के कहने पर निकाला। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की वजह से दुकान और ढाबे के सामने मकान मालिकों के नाम वगैरह वगैरह, आप ही की रिपोर्ट है। बोलिए, मुझे लग रहा है कि इस पर आप जवाब दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट है कि वहाँ पर मुसलमान अगर काम कर रहा है तो उसको निकाला जा रहा है, फिर ये तो गलत हुआ ना प्रेम शुक्ला जी, अगर इस तरह की स्थिति मुजफ्फरनगर में पैदा हो रही है, होने के नाते निकाला गया इसकी। देखिए, इस रिपोर्ट की जब तक पुष्टि नहीं होती है उस पर कोई टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है, वो किस कारण निकाला गया इसका जब तक पुष्टि नहीं होती है इस तरह की रिपोर्ट पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उसने उनका आपसी झगड़ा हो सकता है, उनका नॉन परफॉर्मेंस हो सकता है, उस कर्मचारी का नॉन परफॉर्मेंस होगा, कर्मचारी से और उनके मालिक की क्या समस्या है, ये किसी रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार की टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है।